इसके पहले कौन सा डायनेस्टी चल रहा था जरा बताइए। सर होयसाल ने रिमूव, मतलब होयसाल डायनेस्टी इसके भी हुई, कौन सी डायनेस्टी की जगह पर। हाँ, चालुक्यास, तो यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा, होयसाल किंगडम एग्जिस्ट आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्यास एंड द होयसाल आल्सो एनेक्स्ड चोल एम्पायर लेटर। हम बताया ना कि चोलों के लिए काहे लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि उनको खाना था खुद, बाद में वो चोलों को भी जीत लेते हैं। यानी कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यह चालुक्यों को समाप्त कर, या चालुक्यों को समाप्त कर। सर बदामी के ना, अच्छा बताओ कि कौन से चालुक्यों को हराया होगा, जरा आगे बताओ। बदामी बादामी के चालुक्यों को नहीं हराया था, वेंगे कल्याणी के चालुक्यों को और वैगई के चालुक्यों को, है ना। नहीं, वैगई को तो वही खत्म कर दिया था राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूटों ने। कल्याणी के चालुक्यों को उन्होंने पराजित किया था। बादामी के चालुक्यों को किसने पराजित किया, तो बादामी के चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने पराजित। और अंतिम रूप से चालुक्यों को किसने समाप्त किया, तो अंतिम रूप से चालुक्यों को होयसाल ने समाप्त किया, जिसको हम पढ़ने जा रहे शासन किया। अब इनकी एरिया के बारे में बात करते हैं कि इनका एरिया कहाँ रहा होगा। चालुक्य डायनेस्टी का चालुक्य डायनेस्टी तरक्की यानी कि दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में, एक नदी ये जा रही है और दूसरी नदी ये जा रही है, तो जरा बताओ कि ये कौन सा। ये वही जगह है जहां चालुक्यों ने शासन किया था, लेकिन इन लोगों ने अपना जो मेन सेंटर बना के रखा था वो कर्नाटक था। कर्नाटक इनका मेन अपना जो, कृष्णा हाँ गोदावरी और गोदावरी। रिवर है ये, और ये है कृष्णा। इनका एम्पायर शुरुआती दौर में जब चालुक्यों को पराजित किया था, तो महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका के बीच का क्षेत्र था। दो नदियां हो गई, एक हो गई गोदावरी, एक हो गई कृष्णा, उनके बीच में इनका राज्य क्षेत्र टेरिटरी लाइक बिटवीन द गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर, है ना। तुंगभद्रा रिवर इसकी, कृष्णा कृष्णा, हाँ ओके हाँ क्या हुआ क्या जी। और इधर कौन सी डायनेस्टी चल रही थी फिर, उसी के पैदल ही पांड्यास पांड यहाँ चल रहे, पल्लव चोल चोल। हाँ राइट, थी ना चोलों को बाद में ये छीन लेंगे। यहाँ हाँ, पर ये रेड कलर, ये रेड कलर वाला जो है ये पांड्य है, और ये जो एरिया है येलो कलर वाला, ये अभी थोड़ी देर के लिए है जब तक कि कनेक्ट नहीं कर ले, चोल है। और ये वाला जो टेरिटरी है ये बताइए कौन सा एम्पायर होगा, चेरा चेर का। मेरे अब देखो सारा आप लोगों को क्लियर हो रहा है, हरा वाला होयसाल, होयसाल, पीला वाला चोल डायनेस्टी शासन कर रही है ना, और ये ऑरेंज कलर वाला चेर केरल वाले क्षेत्र में, है ना, और इधर तमिलनाडु में पांड्य शासन कर रहे हैं। और यहाँ पर पहले जो शासन करते थे चालुक्य, चालुक्यों को हरा करके यहाँ पर होयसाल डायनेस्टी की। बाद में क्या होता है, ये होयसाल फैलते चले जाए, ऐसे फैल जाए, यानी कि पूरा चोल डायनेस्टी को भी ये अनेक्स करेंगे।
अलग अलग समय में हिस्ट्री में अलग अलग मैप रहा। तो अगर आप गूगल करोगे तो वो उसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिखाएगा कब से कब तक का मैप है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेटिक नहीं था, हमेशा जो बाउंड्री हुआ करती थी वो चेंज हुआ करती थी राज्यों, कभी कुछ कभी कुछ, कोई आया अटैक कर दिया गायब हो गया। अभी हमारा जो बाउंड्री है वो कितना स्टेटिक है आप सोचिए, है कि नहीं? वर्तमान में जो जैसे भारत का जो नक्शा है कितना स्टेटिक, पहले तो बड़ी तेजी से चेंज हो जाता था। तो अभी किसका कारण क्या हो सकता है? पहले नक्शा हर 5 साल में 10 साल में कभी कभी 2 साल में ही चेंज हो जाता था, हर साल नक्शे में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता, लेकिन अभी नक्शे में परिवर्तन विश्व स्तर पर नहीं होता जल्दी। क्योंकि इंडिया का वो राज्यों का समूह तो है, लेकिन उसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता अपनी मर्जी से, वो बिना के, मतलब केंद्र भी चाहे तो भी अलग नहीं सकता, जब उसको करने के लिए भी संशोधन की आवश्यकता होगी संसद के अंदर, नॉर्मली वो अलग नहीं किया जा सकता बिल्कुल ही। इस वजह से सर इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्क्राइब कर दी गई। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है डिक्लेयर कर दी गई है। तो क्या तब भी नहीं डिक्लेयर की जाती थी भाई इंटरनेशनल बाउंड्री तुम्हारी है, तुम्हारी वो है, मेरा चोल है, यहाँ पर मैं शासन कर रहा हूँ, होयसाल यहाँ शासन कर रहे हैं, तो ये भी तो डिक्लेयर ही हुआ करती थी। थी सर, लेकिन अब के समय का डिफेंस सिस्टम हमारा मतलब बहुत स्ट्रांग है उस समय के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज है कि अभी भी तो स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा चर क्या है कि अभी इंटरनेशनल लॉ के प्रति हमारा ऑब्लिगेशन है, हम लोग मानते हैं, उस समय ऐसा कोई था नहीं। राइट आंसर, यही सही उत्तर है इसका, क्योंकि तब क्या था, कोई विश्व स्तर के संगठन नहीं होते थे, जैसे अभी क्या यूएन है, यूनाइटेड नेशन है ना, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, आईसीजे है, तो ये सब चीजें हैं जिनके जिनको लोग मानते हैं विश्व स्तर पर, सारे देश मिल करके कहते हैं कि शांति समझौता कर लेते हैं, है ना। विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई मानवीय क्षति, जन और धन की हानि को देखने के बाद में क्या हुआ, लोगों ने कहा कि बहुत गलत चीज है। हिरोशिमा नागासाकी का हाल देखा गया, जिस पर बम गिराया गया था, है ना, कितना बुरा स्थिति हो गया था, कितना लोग मारे गए थे। तो लोगों ने कहा कि सब देशों ने मिल करके अपना कहा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे ताकि दोबारा ऐसा ना हो, कोई देश किसी दूसरे को कब्जा लेने का प्रयत्न ना करे, कॉलोनी कोई ना बनाए किसी को अपनी, है ना। तो ये सब चीजें बनी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आपस में कॉपरेशन होगा तभी ऐसा होगा। पहले क्या था, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तब उस तरह की नहीं हुआ करती थी जो सभी राजाओं को कंट्रोल कर, क्योंकि राजा लोग किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, उनको लगता था कि जो भी राजा बनता था वो विश्व विजय का सपना देखता था, कोई राजा बना तो उसके अगल बगल जो डायनेस्टी है उसको अखरती थी, वो सोचता था करे इनके हाथ बड़ा सोना है ना, इनके हाथ बहुत पैसा है ना, इनको कैसे क्या कहते हैं कब्जे में ले लिया जाए, कैसे इनको जीत लिया जाए, तो इन सब चीजों के चक्कर में पड़े रहते थे और अपने आप को भगवान समझने लगते थे कि हम पूरा एरिया कब्जा कर लेंगे। रात में सोने से पहले सपना देखते थे पूरी धरती पे हमारा ही झंडा फहर रहा है, एक छत्र राज, है ना। और लेकिन ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये सब चीजें 250-300 साल मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बाउंड्री चेंज हो रही है 250-300 साल पे चेंज हो रही है, अभी तो 70 साल ही हुआ है ना, अब इन केस फ्यूचर में चेंज हो सकता है। ऐसे कैसे कह सकते हो, जैसे अगर देखा जाए पांड्यों ने अटैक किया है ना, चोलों ने अटैक किया, पांड्यों को कब्जे में ले लिया, 10 साल नहीं बीता दूसरा जो है राजा आ गया, उसने चोलों को हरा दिया, है ना, तब तक होयसाल ने आकर अटैक कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, हर साल 2-3 साल पे चेंज होता जा रहा मामला, है ना, अनसर्टेन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना था जिससे कि इनका काम। Just like Afghanistan. हाँ, अफगानिस्तान भी यूएन से कंट्रोल हो रहा है ना, देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसे, ये तालिबान अफगानिस्तान की बाउंड्री कहाँ चेंज हुई है, अफगानिस्तान की बाउंड्री नहीं चेंज हुई है,
वहां पर डायनेस्टी चेंज हुई है, बाउंड्री नहीं चेंज हुई, वहां पर रूल चेंज हुआ है, वहां पर रूलर चेंज हुआ है अफगानिस्तान। अब देखते हैं कि होए साल ये नाम कहां से आए। होए साल डायनेस्टी का नाम ये होए साल कहां से आया है ना, कर्नाटक के क्षेत्र से हेलवीरु, कर्नाटक में है जहां से इन लोगों ने रूल किया। लेकिन होए साल का मतलब होता है एक साल जो नाम का एक लड़का था, 16 साल की उम्र का एक बालक था जिसका नाम था साल, और वो अपने गुरुओं के साथ में उनके गुरु जी हवन कर रहे यज्ञ शशकपुरा। शशकपुरा कर्नाटक में एक जगह है ना, और शशकपुरा में एक मंदिर है, ठीक है, वसंत वसंत परमेश्वरी टेम्पल, वसंत परमेश्वरी नाम का मंदिर जिसमें की एक महागुरु है ना अपने शिष्यों के साथ में हवन कर रहे। गुरु का नाम था सुदात्त मुनि, और जब तब क्या होता था कि अभी जैसे सड़क बनी हुई है, बिल्डिंगें बनी हुई है, तब नहीं, तब जंगल में ऐसे मंदिर हुआ करते थे, ऐसे मंदिर है खुला जंगल, और एक शेर अटैक कर देता है, ठीक है, एक शेर अटैक कर देता है बड़ा भयंकर, तो वहां पे आ जाता है। और गुरु लोग ऐसी समस्या कर रहे थे कि अभी इतना नहीं होता है कि जैसे शेर देखे पूजा करने बैठे भागे बहुत तेज, ठीक है, अभी आप बहुत तेज हम बहुत बड़े पुजारी हैं और सांप निकल आए वहीं पर जहाँ पूजा कर रहे हो बैठ करके, है ना, ध्यान समाधि लगाए हुए हो, एक छोटा सा सपोला निकल आए, सांप छोड़ दो बिना फल, छोटा सपोला निकल आए तुम्हारे पैर के पास, फिर देखो क्या स्पीड होती है, कितना ध्यान है तुम्हारा, उसी समय पता चल जाए, है ना। लेकिन तब नहीं, तब चाहे शेर आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन जब तब जब वो हवन कर्मकांड कर रहे हैं तो उठते नहीं। तो गुरु जी जो है स्वाहा कर रहे हैं और देख रहे हैं, शेर बड़ा भयंकर शेर जो है कैसे दौड़ता हुआ आ रहा, और लेकिन वो उठे नहीं, कोई एक आदमी भी भागा नहीं वहां, उनको कहा ठीक है मर जाएंगे, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साल नाम का एक लड़का था, ठीक है, उसने देखा कि ये साधुओं के ऊपर, ऋषियों के ऊपर एक शेर ने अटैक मारा, वो दौड़ के जाता है और अपनी कोहनी से, अपनी कोहनी से शेर की गर्दन पर इतना तेज मारता है कि एक बार में पूरा शेर तुरंत वहीं गिरता मर जाता। सोचो कितना ताकतवर प्रहार रहा होगा, कितना सटीक है ना, और कितना बलशाली और वीर लड़का, है ना, तुरंत वहीं शेर गिर करके मर जाता है। और उसके बाद जब गुरु जी का साधना खत्म होता है तो उसको बुलाते हैं और उसको वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो है अब एक डायनेस्टी स्थापित करोगे और तुम सम्राट बनोगे, तुम्हारी डायनेस्टी दक्षिण भारत पर राज्य करेगी, ऐसा उसको आशीर्वाद दे दिए, ठीक। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया साल, साल नाम के लड़के से होए साल का नाम पड़ गया। ये थी इसकी कहानी, मतलब जहां से इस डायनेस्टी का नाम उत्पन्न होता। आगे बढ़ होए का क्या मतलब है सर? तो इसमें होए मतलब कि तुम बनोगे, है ना, डायनेस्टी के शासक। होए मतलब, होए साल मतलब कि ये साल शासक बनेगा, राजा बनेगा, होगा, तो बना भी, बन भी गया। आगे बढ़ते हैं, शुरुआती राजधानी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल क्या, बेलूर,
कर्नाटक में बेलूर, ये क्या थी इनिशियल कैपिटल आप होयसाल प्रारंभ राजधानी और बाद में जो है कैपिटल जो एक मेन कैपिटल जो बनी हेलबिलू ये बाद में शिफ्ट हुई यहां से। दोनों ही लोकेशन कहां है कर्नाटक। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है यहां से डायरेक्ट जो पूछा जा सकने वाली चीज है बेलूर और राजधानी का क्वेश्चन। ये भी आर्ट एंड कल्चर में काफी निपुण थे है ना, रॉक कट स्टाइल आर्किटेक्चर में काफी निपुण थे। और अभी प्राइम कौन सी स्टाइल का आर्किटेक्चर का प्रयोग करते थे, त्रिकूट स्टाइल का आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते थे। त्रिकूट स्टाइल क्या होती है बताएंगे, ये डायरेक्ट पेपर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से है ना होयसाल राजवंश की वास्तुकला शैली मतलब जिस पर भवन और मंदिर मुख्य तौर पर मंदिर जो निर्माण किए जाते थे कौन सी प्रणाली से किए जाते थे, तो त्रिकूट स्टाइल से किए जाते थे। जैसे चोलों का देखेंगे तो रोटेटिंग रोटेटिंग स्क्वायर मेथड मिलेगा, बहुत गजब का शैली थी रोटेटिंग स्क्वायर इनका त्रिकूट शैली। त्रिकूट शैली क्या होता है, जैसे एक बेस होगा मंदिर का एक बेस होगा आधार अब इसमें बेस के ऊपर और इसके ऊपर तीन मंदिर इस तरह का स्टाइल हुआ करता मतलब एक जैसे तीन पहाड़ी नहीं होती माउंटेन तीन चोटियां हो वैसे ही एक गया फिर खत्म हुआ फिर दूसरा गया फिर खत्म हुआ फिर तीसरा गया फिर खत्म हुआ नीचे जड़ एक एक पहाड़ की तीन चोटियां जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से मंदिर हुआ करते थे और उसमें तीन अलग अलग डाइटी हो सकती है या भी हो सकता है किसी सिंगल डाइटी का ही तीन अवतार या तीन रूपों को उसमें दिखाया जा रहा हो ऐसा भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं ये बात समझ में आई, इससे हमको नहीं भूलना है त्रिकूट स्टाइल किसकी है बात। डायरेक्टरी के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि त्रिकूट स्टाइल की शैली किसकी है, तो होयसालों की है राजधानी है। ये तीन पॉइंट मिले अभी महागाथाओं में जो विवरण मिलता है कि किसको डायनेस्टी
स्थापित करने का आशीर्वाद मिला था, तो साल उनके नाम पर होयसाल डायनेस्टी का स्थापना हुई है ना। और जो स्रोत है लिटरेचर उनके अनुसार है ना, जो साक्ष्य प्राप्त है उसके अनुसार कौन था जिसने इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना किया, नृपकाम फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। होयसाल वंश के संस्थापक पहला दिन पढ़ रही है ना, टाइम लगता है, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ होयसाल किंगडम कौन थे, नृपकाम। कौन से द्वितीय राजा नृपकाम, 1026 एडी से लेकर के 1047 नृपकाम ने शासन किया। इसके बाद जो शासन आते हैं, कई शासक आते हैं है ना, वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कौन आए कैसे कैसे शासन किया डायनेस्टी के लिए। लेकिन इनका अगर हम एक टाइम लाइन बना लें, एक जगह पर नोट कर लें कौन कौन शासन कैसे आया, तो नृपकाम आए, ठीक है। नृपकाम के बाद दूसरा शासक आया देखो प्रिया, हो गया डन सर, ठीक है। तो नृपकाम के बाद में जो दूसरे शासक आते हैं, पहला शासक नृपकाम द्वितीय है ना, दूसरा शासक विनयादित्य, विनयादित्य था दूसरा शासक 1045 से लेकर के 1098 एडी तक इसने शासन किया। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं, इम्पोर्टेंट क्या आए थे, किरियंग, फिर चौथे नंबर पर आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वीर भल्लाल, वीर भल्लाल नाम का शासक आता है प्रथम 1102 से 1108 किया। फिर इसके बाद अगला और ज्यादा इम्पोर्टेंट शासक आता है, अभी इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसको हम पढ़ लेंगे, एक एक के बारे में पूरा नहीं पढ़ना। विष्णुवर्धन, ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट, वर्धन नाम का शासक आता है, फिर उसके बाद में आते हैं नरसिंह, विष्णुवर्धन का शासनकाल है 1108 से 1108 से 1154, बहुत लंबा शासन किया है और बहुत ही योग्य शासक, ताकतवर स्ट्रांग। फिर सातवें नंबर पर आते हैं वीर भल्लाल, वीर भल्लाल द्वितीय सेकेंड
भी नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं। 1177 से 1220, उसके बाद आते हैं आठवें नंबर पर नरसिंह, वीर नरसिंह। सर ये सारे को पढ़ना है क्या, सारे नाम इतने? नहीं, जिनके बारे में अभी हम बताएंगे केवल उनके बारे में पढ़ना है, ये क्रोनोलॉजी हम लिखवा दे ताकि पूछो ना सर ये कहाँ से आ गए, बीच कहाँ गायब हो गए। 1220 से लेकर के 1235, फिर आते हैं नौवें नंबर पर अग्निशासक सोमेश्वर, वीर सोमेश्वर। फिर उसके बाद आते हैं नरसिंह, थर्ड नरसिंह तृतीय और अंतिम शासक जाए वीर भल्लाल थर्ड। लास्ट अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इसमें वीर भल्लाल क्योंकि ये अंतिम ऊपर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्थापक निरपकाम ने स्थापना किया। फिर वीर भल्लाल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और विष्णु वर्धन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका क्या इम्पोर्टेंस है वो अभी हम लोग देखेंगे। ये इनका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था सर। सेम नाम तो संगम डायनेस्टी में भी है, कंफ्यूज ना हो जाए सब में, सेम सारे नाम है, वीर बल्लार सर नरसिंह सब उसमें संगम में है। इनको विजयनगर साम्राज्य इनको समाप्त करेगा, इस डायनेस्टी को विजयनगर एम्पायर समाप्त करेगा और वहां से मेडिवल शुरू हो जाएगा, इसलिए मेडिवल में पाएंगे। सर किसी डायनेस्टी का फाउंडर ये मतलब टू सेकंड कैसे हो सकता है, फर्स्ट होगा ना नृपकाम सेकंड। इंडिपेंडेंट रूल किसने शुरू किया, वो किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे, स्वतंत्र नहीं है। सर लास्ट वाला दिखा दी कौन था और सर ये जो होयसाल वो लड़का था जी, हाँ जो कि क्या पूछ रही हो, दो बार आए थे कौन, जो कई बार दिया हुआ है मतलब इनका किसी ने आपने देखा है कितने साल तक थे, उसके बाद ये कई बार आए कौन नाम पता होगा, ये जैसे आपने बताया ना वीर भल्लाल का, हाँ ठीक है इसका तो इन्होंने कई ट्रिप में शासन किया नहीं, इसमें जो इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों का नाम रखा जाता है उस तरह से नाम यहाँ नहीं रखा जाता। यहाँ पर क्या होता था, जैसे तुम्हारा नाम है ज्योति है ना, अब आपकी बेटी का नाम क्या हो जाए, ज्योति सेकंड, ज्योति द्वितीय, फिर ज्योति तृतीय की कोई बेटी होती है तो उसका कोई दूसरा नाम, और फिर उसके बाद बेटी की जो बेटी होती है ना वो अपना नाम रख लेती ज्योति फोर्थ है ना। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में क्या है, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे ना, तो वो अलग अलग समय में अलग अलग शासक आते हैं लेकिन नाम अपना वही पुराना वाला में एक दो तीन करके जोड़ लेते हैं है ना, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए है ना, कौन से पहले वाले थे दूसरे वाले, क्लियर। हाँ अभिषेक जी बताइए। ये पूछ रहा था सर कि ये जो लड़का था जिसने शेर को भूसा मार के मार दिया था, हाँ, वो ये नृपकाम ही था? नहीं, वो इनसे बहुत पहले था, साल नाम का। उस लड़के को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम
तुम्हारा राजवंश चलेगा, जिसने भूसा मार के मार डाला था शेर को, वो तो 16 साल का एक नॉर्मल इंसान था, उसने देखा कि हाँ वो लोग ऊपर शेर ने आक्रमण किया है तो जाए और उसको बचा ले और जाके मार दिया। लेकिन उसको क्या मिल गया, आशीर्वाद मिल गया कि तुम्हारी डायनेस्टी चलेगी आगे। तब इसमें क्या हुआ उसके बाद कहानी कहीं नहीं लिखी गई है, लेकिन ये माना जाता है कि इसी इसको भी जल्द ही कहीं किसी राज परिवार में नौकरी मिली और उसमें वो मंत्री बना, फिर उसके बाद उसका बेटा बना, फिर प्रधानमंत्री बना, धीरे 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 करके उसकी ताकत बढ़ती गई। फिर नीलकांत प्रथम आए, नीलकांत प्रथम भी डायनेस्टी के अंदर कहकर भी काम कर रहे थे, है ना। अब उसके बाद मौका लगा नीलकांत सेकंड का और इन्होंने डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट करके स्थापित कर दिया। यानी कि तुमको आशीर्वाद मिला कि तुम्हारी पीढ़ी राज करेगी, तो कोई जरूरी नहीं कि तुम ही राज करने लगोगे। अगर जैसे मान लो किसी साधु से तुमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, साधु की कुछ अच्छा कर दिया, साधु प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि जाओ आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी पीढ़ी का नाम होगा, है ना, ठीक है, वर्मा साम्राज्य स्थापित होगा भारत में, जाओ तुम्हारे नाम, ठीक है, तो तुम तो इतने खुश हो जाओगे ना, गरीब बताओ मेरा नाम आगे तक जाएगा, वर्मा एम्पायर खड़ा करेगा मेरा परिवार आने वाला, कहो चलो तुरंत शादी कर लेते हैं, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना, आने वाली पीढ़ी राजा। तो कुल मिलाकर के आपका उसमें नाम तो हो रहा है ना, आशीर्वाद आपको मिला, लेकिन आपके बेटे के बेटे के बेटे या कोई राजा जरूर बनेगा। जैसे राम भगवान ने हिंदुओं को, है ना, ट्रांसजेंडर को आशीर्वाद दिया है कि एक दिन भारत पर इनका ट्रांसजेंडर का शासन, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। सर हुआ तो था सर, तब हो गया नहीं नहीं सर, बीच में हुआ था सर, वो जो मुस्लिम वाला था ना जो छोड़ के, तो बीच में जब किसी से अलग हुआ था, बीच में कुछ समय के लिए हुआ था किसी का शासन, राजा बन गया था आजाद करवा के, मिडवेल में सर, मिडवेल में, अरे मलिक काफूर, मलिक काफूर ही था एक था, बाकी उसका राज नहीं, मलिक काफूर नहीं, उज्जैन के हमने था, उज्जैन या जौनपुर आस पास उसने अपनी अलग डायनेस्टी बना ली थी कोई आजाद करके, बताऊंगा समय ढूंढ करता हूँ उसका, नहीं नहीं अरे बताऊंगा सर, जो आगे पूरे धर्म पूरे देश में शासन करेंगे ये जो है, हाँ पूरे देश में नहीं हुआ है सर। सर ये लास्ट वाला बताइए सर, प्रधानमंत्री बनेगा कोई, कोई तक्का प्रधानमंत्री बनेगा, है ना, 11वां नाम बताइए, है ना, ये अंतिम है वीर भल्लाल खड़ है अंतिम साथ है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो क्रोनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया इनका, अब आगे बढ़ते हैं। विनयादित्य यानी कि चालुक्य के अभी चल रहे हैं, विनयादित्य और नृपकाम इन दोनों का सबसे प्रबल शत्रु चालुक्य हुआ करते हैं। चालुक्य आप कल्याणी, विनयादित्य ने चालुक्य आप कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य जो शासक थे, विनयादित्य ने उनकी लड़की से विवाह भी किया, यानी कि विनयादित्य का चालुक्य शासक सोमेश्वर हस्त, सोमेश्वर हस्त के साथ के परिवार में वैवाहिक संबंध था, और इस तरह से इन्होंने क्या किया कि जो दुश्मनी थी उसे थोड़ा दोस्ताने में बदलने की कोशिश किया कि विवाह हुआ कर करके कि अब हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, और लेकिन इसमें इसका साजिश था एक तरह से चालुक्यों को कमजोर करना। उसके बाद इनका जो बेटा आता है विनयादित्य इरायंग, इरायंग जो विनयादित्य का बेटा होता है इरायंग, ये अपने आप को कोशिश करता है कि चालुक्यों को पराजित करके खत्म करके हम जो है इंडिपेंडेंट शासन स्थापित कर दें।
लेकिन ये करने में नाकाम रहता है, इतने प्रयास को वहां दबा दिया जाता है। उसके बाद आते हैं वीर भल्लाल फर्स्ट, जो किसी काम के नहीं, निकम्मे शासक थे, इसलिए इनके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी ऐसे ताकतवर नहीं। अब कौन है तो आपने इम्पोर्टेंट क्यों करवाया सर इनको, इम्पोर्टेंट नहीं क्यों इतना? हमने जो है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं इम्पोर्टेंट, वही से सोचे इम्पोर्टेंट क्यों है, जब कुछ कराई नहीं तो सर। नहीं ये कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, यानी कि अभी इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित नहीं हो पा रहा, केवल मामला चल रहा है धीरे धीरे, छोटे से एरिया में ये लोग फैल रहे हैं। अब आता है जो पहला शासक है ना, जिसने इंडिपेंडेंट होयसाल एम्पायर की स्थापना किया, चालुक्य शासक को मारकर। चालुक्यों का जो शासक था, अंतिम शासक कौन था बताइए जरा नाम? कीर्तिवर्मन। अब ये आ गया विष्णु वर्धन, वो तो बादामी का था ना सर, कल्याणी के चालुक्य में कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ, क्योंकि अभी पीछे सोमेश्वर प्रथम के साथ जो शादी वादी करके सब अपना जो है सिस्टम बनाने की कोशिश किया गया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जब वीर भल्लाल ये ट्राई किए कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन टूट दिए गए, ये ट्राई ही नहीं किए है ना, लेकिन ये क्या करेगा, ये स्टेब्लिश कर देगा किंगडम पूरा चालू के एरिया अपने कब्जे में लेगा, यानी ये इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ सर, आपने बताया था कि सोमेश्वर फोर को वीर भल्लाल ही हराया था। जी सर, उसी ने इसे मतलब डिफीट करा था, मार कर। वीर भल्लाल इसका भाई है ना? नहीं सॉरी, हाँ सही है, वीर भल्लाल इसका भाई है, विष्णुवर्धन का बड़ा भाई था वीर भल्लाल, इसके मरने के बाद ही ये शासक बने, ठीक है, अटैक इसे नहीं किया था, विष्णुवर्धन नहीं मारा, ये सेनापति हुआ करता था जब वीर भल्लाल राजा, मतलब इसे नहीं किया था, अटैक इसे नहीं किया था, मारा इसी, ये केवल राजा थे बस और कुछ नहीं, यंगर ब्रदर ऑफ वीर भल्लाल। इसका दूसरा नाम था विष्णुवर्धन का, यानी कि यहाँ पर अगला पॉइंट नोट करेंगे। तो फिर वो पीछे जाके सुधार लेना कि ये वीर भल्लाल नहीं मारा था, वीर भल्लाल राजा था, मतलब बैनर था वीर भल्लाल का, और एक्चुअल काम किया था विष्णुवर्धन, एक्चुअल काम किया था विष्णुवर्धन ने, ये कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, हम अपने भाई को भेजते जाओ बाट लगा के आओ है ना, छोटे भाई को, और वो जा करके मार कूट के चला आया। तो सर अगर बड़े भाई थे वो नरसिंह वर्मा नरसिंह, तो सर ये पहले राजा कैसे बने, ऐसा भी कुछ था कि पहले राजा इनको बना देता, ऐसा कुछ था? नहीं, वीर भल्लाल पहले बने थे राजा, वीर भल्लाल फर्स्ट सेकंड राजा, वो फर्स्ट वाले ना सर, फर्स्ट वाले ना सर, फर्स्ट वाले, ठीक है सर, वीर भल्लाल पहले बने, उसी के अंडर में ये थे, ठीक है सर। वीर भल्लाल राजा थे, छोटा भाई था, युद्ध यही करता था, और उसके बाद क्या हुआ कि ये कमजोर आदमी थे, तो बाद में क्या हुआ कि इनके मरने के बाद ये विष्णुवर्धन को राजा बना दिया गया, और जब ये राजा बना तो इसने डायनेस्टी को पूरा फैलाता चला गया, विष्णुवर्धन राज्य को बहुत बड़ा कर दिया उसने अपने शासन से। इसका दूसरा नाम था बीटिका, यानी इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे इसके बाद। ग्यारह सौ आठ से ग्यारह सौ
54 ना शासन किया था इसने जी सर। इसका दूसरा नाम था विटिग्गा। दूसरा नाम था और इसी ने राजधानी को जो पहले क्या थी अब तक बेलू से शिफ्ट किया जिसको अभी हेलबिलू कहते हैं है ना, तब कहते थे जोर समुद्र। राजधानी ये इंपॉर्टेंट बात है कि राजधानी किसने शिफ्ट किया बेलूर से डोर समुद्र जो आगे तक राजधानी रहेगी मेन राजधानी थोड़े सालों की डोर समुद्र जिसे जो कि कर्नाटक में है और अभी इस जगह को क्या कहा जाता है हेल किसने शिफ्ट किया राजधानी ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसने उपाधियां धारण किया उपाधि मतलब अपने आप को अवकाली बनाने के लिए अपना नाम है ना। तलकड गोंडा तलकड गोंडा तलकड़ गोंडा और वीर गंगा एंड वीर गंगा उपाधियां धारण किया है। इसने दो बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया जो त्रिकूट शैली पर त्रिकूट साउथ इंडियन शैली त्रिकूट शैली पर आधारित नीलकंठ नारायण टेम्पल नारायण टेम्पल ये कहा तलकड़ में नीलकंठ नारायण मंदिर और चेन्नकासवा ये पूछा जा चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगली लाइन चेन्नकासवा टेम्पल चेन्नकासवा मंदिर बेलूर जो पहले राजधानी हुआ करती थी वहां पर इसने मंदिर बनवाया। अब चेन्नकासवर मंदिर का फोटो उसमें ग्रुप में डालो उसको मैं ढूंढ डालता हूँ तो ज्यादा अच्छे से याद होगा जब कोई चीज देखते हैं तो ज्यादा अच्छा याद होता है। मैं होयसालों ने गगन चुंबी मंदिर बनाया है जिसमें सोचो तो एकदम दिमाग हिल जाए ऐसे ऐसे मंदिर बनाते थे। सर इसका आर्किटेक्चर भी यही था त्रिकूट। हाँ त्रिकूट आर्किटेक्चर होयसाल का द्राविड़ियन स्टाइल का जैसे अभी हमने पीछे फोटो बनाया था एकदम वैसे ही डिजाइन होते अभी थोड़ी देर पहले हमने फोटो बनाया था जिसमें
एक बेस था और तीन मंदिर आपस में सटे रहते थे, ठीक है, एक पहाड़ी दो पहाड़ी तीन पहाड़ी, ये है चन्नकेश्वर मंदिर, देखे दूसरा वाला कौन सा है सर, ये तालकाट यहाँ ये प्लेस है ना तालकाट, हाँ तालकाट जगह पर है, वो वाला भी मंदिर डालो, दूसरा वाला नित्य नारायण मंदिर, देखो नारायण भगवान विष्णु का, कीर्ति नारायण है, सॉरी नित्य नहीं कीर्ति कीर्ति नारायण टेम्पल है तालकड़ में, देखो कितना सुंदर है ये तालकड़ भी बेलूर में है सर, नहीं तालकड़ अलग जगह है बेलूर अलग जगह है, ये कहाँ पर है सर, कर्नाटक में ही है तलकट, ये वाला मंदिर भेजो बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है, तलकट मैसूर ना मैसूर वहां पर, और बेलूर अलग जगह, ये वाले आर्किटेक्चर में आपको मंडप देखने को मिलता है, एक है शिखर, शिखर जिसे कहते हैं मंदिर में होता है शिखर टाइप, और उसके साथ एसोसिएट होता है मंडप, ये बड़ा तो बरामदा टाइप का होता है जिसमें कि लोग हवन वगैरह करते हैं, मंडप है तो यहाँ पर देखने को मिलता है तलकट वाले टेंपल में, ये चीज देखने को मिलती है। मंदिरों को इस तरह बनाया जाता था कि जैसे शरीर हो बॉडी भगवान जैसे बैठे हो उस तरह से इसको बनाया, ये हो गया सर, ये हो गया पेट, ये हो गया पैर, है ना, तोरण होता था एंट्रेंस गेट जहाँ से एंट्री करते हैं प्रवेश द्वार मंदिर का, तोरण कहा जाता था, ये होता है, ये कहलाता है मंडप, और देवता का मन देवता का जो मूर्ति होता था वो यहीं पर होता था, सबसे पहले तो है ना, और उसके बाद जाके मंदिर दर्शन करके आओ, फिर यहाँ हवन करो या ध्यान लगाओ, माला जपो घंटी जपो, है फिर निकल के आओ, प्रसाद होता था जहाँ पर भंडार गिरी होता था किनारे, भंडार गिरी में क्या होता था प्रसाद बचता था, प्रसाद चबूतरा होता था जहाँ पर नृत्य करो डांस करो भजन कीर्तन चलती रहती थी, यहाँ पर भजन कीर्तन है यहाँ पर भजन चबूतरा होता था जिसमें भजन कीर्तन, ये सब कितना बढ़िया बनाए हुए थे कि जाओ खाने पीने का भी व्यवस्था है, प्रसाद सुविधा खाओ पियो उसके बाद आराम से वहीं पड़े रहो, बहुत सारे लोग यही छोड़ना डर करके पड़े रहो, सर फिर ये तो त्रिकूट शैली में नहीं जा रहा है ना, ये आपने बताया, हाँ ये त्रिकूट पर नहीं है, ये दक्कनी शैली है वही पुरानी वाली, जिसे कहते हैं द्राविड़, हालांकि त्रिकूट शैली भी द्राविड़ ही है, ये शुद्ध द्राविड़ शैली पर बना है, इस तरह का निर्माण चोल करते थे, पुरानी शैली पर आधारित, अगली बात आती है इसने मंदिर तो बनवाए हिंदू, जैसे कीर्ति नारायण मंदिर किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का,
लेकिन इसका जो खुद का धर्म था वो क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है। इसका खुद का धर्म था जैन, यानी ये विष्णुवर्धन इसका जो खुद का धर्म था वो था जैन। और जैन रिलीजन को बढ़ावा दिया इसका मिनिस्टर भी जैन था, जिसका नाम था गंगाराज। इसका प्रधानमंत्री था गंगाराज। इसने जैन धर्म को फैलाया दक्षिण भारत में। जैन धर्म को प्रसारित किया। जब प्रधानमंत्री और राजा दोनों ही एक धर्म के होंगे तो जाहिर सी बात है धर्म बहुत तेजी से फैलेगा, बढ़ेगा। गंगाराज बहुत शक्तिशाली भी था। गंगाराज ने अटैक करके उसने अटैक किया था चोलों को, चोलों को पराजित किया, ठीक है। शेयर किंगडम के ऊपर भी अटैक किया, उसको भी पराजित किया, लेकिन कब्जे में नहीं कर पाया चेरों को, लेकिन पराजित किया। अब बात आती है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, अगली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जैन धर्म को विष्णुवर्धन बहुत बढ़ा रहा और उस समय भक्ति आंदोलन भी दक्षिण भारत में फैला हुआ था, यानी कि हिंदुइज्म भी खूब चरम पे फैला हुआ है, भजन कीर्तन सब चीजें चल रही है, हाँ। और ये जैन धर्म को फैला रहा, तो कोई तो होना चाहिए ना जो इनको वापस से वैष्णव संप्रदाय में शामिल कराए, हिंदू बना, है ना। तो यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन, किस भक्ति आंदोलन के प्रचेता ने होयसाल शासक विष्णुवर्धन को जैन धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना दिया। तो यहाँ पर उत्तर आता है, एकदम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और उनसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका नाम मैं बताऊंगा, रामानुजाचार्य स्वामी, इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है रामानुजाचार्य का। स्वामी रामानुजाचार्य ने विष्णुवर्धन होयसाल शासक को हाँ जैन धर्म से हिंदू धर्म में लेके आया, जैन से हिंदू, क्योंकि राजा का जो धर्म होता है ना वो उसको पॉपुलराइज करता ही, तो जड़े काट दो, राजा को ही कन्वर्ट कर दो। हिंदू में कौन था, हिंदू में एक होते हैं शैव जो शंकर भगवान के अनुयायी होते हैं, एक होते हैं वैष्णव, एक होते हैं शक्ति के उपासक, मतलब देवी दुर्गा की जो उपासना करते हैं वो लोग। शैव में भी कई होते हैं, नाथ पंथ, लिंगायत, ये सब बात पढ़ाया जाएगा, कापालिक, कापालिक बोले अघोरी, अघोरी देखे सुने क्या, देखे हो गया अघोरी, कभी अघोरी देखा कि नहीं कोई? सर आजकल इंस्टाग्राम पे फिल्टर बहुत चल रहा है अघोरी का, फिल्टर मतलब अघोरी लिखने को पुलिस पकड़ ले क्या? वो आप अघोरी, आप उसके सामने खड़े होंगे तो अघोरी जैसा पूरा लुक आ जाएगा आपका। अच्छा ये वाला, अच्छा अच्छा सर, वो क्या लिखा है दिख नहीं रहे,
शैव संप्रदाय में एक होता है संप्रदाय कापालिक, कापालिक पेपर में मनुष्य के, वही जो मनुष्य की खोपड़ी में खाना भी हो या पानी वानी पीते हैं वही तो है कापालिक ना सर। हाँ, मरी हुई लाशों को खा लेते हैं जी जी, और उनकी खोपड़ी निकाल लेते हैं लाशों है ना, और उसमें उसमें जो है शराब पीते हैं, पानी पीते, बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, मतलब आंखें लाल लाल एकदम डरावने है ना, पंच मकार का अनुसरण करते हैं, जो चीजें मना होती है धर्म में उनको सब काम ये करते हैं, ठीक है, मत मकार है ना, मैथुन है ना, और क्या कहते हैं मदिरा, ये सारा पांच तरह के पंच मकार, पांच मां पांच गंदे काम, जिनको दूसरे धर्म में गंदा कहा जाता है, इनको कहते ये सही है। बाकी अपने नाथ वाले तो वही है ना सर, नाथ वाले तो यही है ना अपने योगी जी, योगी जी हाँ, योगी जी नाथपंथी है, गोरख नाथ वाले, नाथपंथ तो ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है कापाली। अब वैसे बताएं, अब कोई सही कापाली बचा नहीं है, सब नकली बने अघोरी घूमते रहते हैं। अलाहाबाद में हमको मिला, क्या कहते हैं अलाहाबाद गए थे 2015 के बाद, मेंस का पेपर लगा हुआ था, छुट्टी हो गया पेपर सही क्या करते, अब वहाँ गए तो वहां पर नदी के पास से एक मार बना अपना बड़ा अघोरी बना है, आग ऐसे खड़ा हो गया, ला ला तो क्या तो पैसा तुम्हारा क्या है जो ऐसे मांग रहे हो, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, भस्म कर दूंगा है ना तुमको, कह रहा है भस्म कर दूंगा तुमको, है ना, कह तुमको भस्म कर दूंगा जला के तुरंत ला पैसा, हमने कहा अच्छा हमें कितना, ठीक है 900 रुपये लाओ, अच्छा 100 रुपये तुमको दे, कह जानते नहीं हो बाबा बोली तुम्हें कहाँ का सिद्ध, मैंने कहा तपस्या करी है बनारस में और पता नहीं क्या क्या बनाए लगा, दो जल्दी से मेरे पास समझ, हमने कहा ऐसा है ना तुम मुझे अभी तुरंत भस्म करो है ना, और पूरा पर्स में जितना पैसा ले लो, उसमें हम पासवर्ड भी बता देंगे, ठीक है बता देगा, तो वो हमारे दोस्तों को अपने बुला लिए, हमने कहा अगर ये मुझे नहीं भस्म कर पाता ना मारना अभी है ना, करो भसम, अब वो जाने लगा उधर खींच लिए, हमने कहा भसम करो नहीं बहुत मारेंगे, अब उनको खींच खींच 5-10 रपट्टा सब लोगों ने बारी बारी किया, अब सारा घोर पना उनको वही निकाल दिया, तो आज कल ऐसे ऐसे घोरी भी घूम चले, मुर्गा बनाए फिर घोरी बाबा को वहां पर टुकड़ू खूब करवाए उनको थोड़ी, तो हमने कहा दोबारा अगर यहाँ मिल गया मैं 5-6 दिन रहूंगा यहाँ, अगर दोबारा मुझे दिख गए तुम यहाँ पर तो अपनी बात उनको कुछ बताना क्या करते हैं, दोबारा उनको गए घोड़ी से सीधा मुर्गा बना दिया था। हाँ मुर्गा वाला कुकड़ू कु करवाए थे डुप्लीकेट वाला था, हाँ नकली था, लो पैसा मांगते हैं ना ये लोग, असली वाला होता सर तो भसम कर देता, भसम नहीं सब करते तो उनके जैसे लोगों को पहचान करे, तो जो सही होते हो ऐसे काम ही नहीं करेंगे सर। हाँ अरे सही हो हमारा कुछ नहीं कर सकता है, अब यहाँ पर हाँ एक चीज बता दें, ये पेपर पूछा गया है कि कापालिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो शंकर भगवान के अंशावतार कहलाते थे वो लकुलीश, लकुलीश उनका नाम था, लकुलीश जिसने दुनिया भर का नाटकबाजी शुरू करा दी, लकुलीश का कहना था कि सारी दुनिया एक तरफ की एनर्जी को लेने के चक्कर में पड़ी हुई है, वाइट एनर्जी, उनका जितनी शक्ति होती है जितनी पावर होती है व्हाइट एनर्जी में है ना, उतना ही पावर होती है ब्लैक एनर्जी में, अब डिपेंड करता है कि आप ब्लैक एनर्जी के फॉलोअर हो कि व्हाइट एनर्जी के फॉलोअर हो है ना,
व्हाइट एनर्जी की फॉलो तुम कर रहे हो, हम ब्लैक एनर्जी की कर रहे हैं, और बिना ब्लैक एनर्जी के व्हाइट एनर्जी नहीं हो सकती, और बिना व्हाइट एनर्जी के ब्लैक एनर्जी नहीं हो सकती, और ये दोनों ही एनर्जी एक साथ पैदा होती है, काली शक्ति और सफेद शक्ति। तो ये कहते हैं हम काली वाली को अपनाते हैं। इसमें मना होता है कि क्या कहते हैं, इसमें ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देते हैं कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना है किसी के साथ और गैर के साथ, ये लोग जो है बनाते हैं समूह में बनाते हैं। उधर कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब दिन भर पीते हैं, है ना, और दिन भर खाएंगे मछली खाएंगे मांस खाएंगे, पांच तरह के मांस कार्य करते हैं, और बड़े क्रूर टाइप के भी होते हैं। हाँ। ये विष्णुवर्धन कौन से में कन्वर्ट हुआ था, शैव वैष्णव किसमें था वो? हाँ, अभी बता रहा हूँ, वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु का भक्त बन गया था। क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य क्या थे, स्वयं दक्षिण भारत में वैष्णविज्म के बहुत बड़े संत। अब रामानुजाचार्य की बात आ गई है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि संत रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय को बढ़ाया, तो वह साल किस राजा के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ, तो विष्णु वर्धन। स्वामी रामानुजाचार्य से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, आईएएस में भी, पीसीएस आरओ में भी, एआरओ में भी, सब छोटे मोटे एग्जाम में रामानुजाचार्य जी से क्वेश्चन आता है। पहले रामानुजाचार्य की फोटो देखते, बहुत महान आदमी है, उनकी फोटो देखो तो उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएं जो पेपर में पूछती है। गणित वाले प्रोफेसर की मत भेज देना। ये देखो डंडा दिए हुए हैं, टकले हैं और आपक हुआ चंदन लगाए हुए। लिंगायत था तीसरा सगुप्ता, लिंगायत वो बढ़ाएंगे आगे, अभी ये सब पढ़ना है हम लोगों को, बचपन में तो पूरा हम लोग पढ़ना जी सर। रामानुजाचार्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल मनाई जाती है, मद्रास हाई कोर्ट उसके लिए पूरा आदेश देता है, पुलिस की व्यवस्था कर दी जाती है, काफी भव्य प्रोग्राम बनाया। रामानुजाचार्य का जन्म स्थान कहाँ, संत रामानुजाचार्य का जन्म स्थान, ये पहली बात तो यह वैष्णव संत थे। यहां तक कि दक्षिण भारत में वैष्णविज्म के पिलर थे, मतलब वैष्णव संप्रदाय को उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाया, बहुत मतलब उमदा स्तर पर लेते थे इनका। अच्छा, किसी को देख करके कैसे जाने कि शंकर भगवान का चेला है कि विष्णु का चेला है, कोई बता सकता है क्लू? दो संत ऐसे खड़े हो और उनको ऐसे देखो और बता दो कि शंकर भगवान का अनुयायी है, शैव है, या वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी है, कोई तरीका है क्या? वो सर शिव भगवान वाले भस्म लगा लेंगे और जो है ये विष्णु भगवान वाले चंदन का लगाएंगे, तिलक। हाँ, कपड़ों को भी और तिलक से भी पहचाना जा सकता है। जो शंकर भगवान वाले होते हैं वो इस तरह का तिलक लगाते हैं, ऐसे वाला।
चंदन ऐसे लगा लगा दिया लाल बनकर, और दूसरा जो होते हैं लग भी रहा है शंकर भगवान वाला, और दूसरा वाला जो होता है वैष्णव वाले वो ऐसे लगा दिया चंदन बीच में से लाल वाला, और जो फोटो लेते हैं सर रामानुजाचार्य जो थे वो सेवेज्म के थे कि रामानुजाचार्य जो थे वो सेवेज्म के थे? नहीं नहीं भाई यही बता रहा हूँ वैष्णव थे, तो इनको आपने लिखवाया था ना सर कि कन्वर्टेड हिम विष्णुवर्धन इन सेवेज्म? नहीं हिंदुज्म लिखाया था मैंने, सेवेज्म कहाँ लिखाया, सेवेज्म लिखा दिया क्या? नहीं तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर हिंदू लिखवाए थे। वैसे भी गेस कर सकते हैं कीर्ति नारायण टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, तो हाँ कीर्ति नारायण भगवान विष्णु डेडिकेटेड दोनों ही मंदिर है, तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों को देखने को मिल गई कैसे पहचाना जाए, और अब इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट। हाँ अभी थोड़े टाइम पहले जब सावन सोमवार चल रहा था ना तो सब लोग त्रिशूल बना रहे थे माथे पर, वो किससे रिलेटेड होता है? वो भी शंकर जी का ही है क्या? ये सब गैर मेहंदी की लोटा है ना? नहीं सर स्टेटस ना बहुत दिख रहा था सब लगा। सावन सावन आ गया तो कहते हैं अब हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, अब भैया हम बहुत बात है ना, अब शंकर जी का दिन आ गया। नवरात्र आएगा तो शंकर जी भूल जाएंगे है ना, इग्नोर है। फिर हम देवी के भक्त हो गए, सब देवी देवी जय माता जय माता। फिर उसके बाद नवरात्र जाने के बाद फिर खूब मछली मांस घोर घोर खाएंगे, चबा चबा के मुर्गा और बकरा है, फिर सबको इग्नोर मार दिया। अब शंकर जी भी बैठ कर क्या हुआ, और दुर्गा जी अलग सोच रहे हाय राम यही था क्या वो जो 9 दिन व्रत रहा था है ना, लोगों को कोई भरोसा नहीं। वैसे 9 दिन व्रत रहने वाला नहीं कहा था सर ये सब, तुम भी वही वाले हो ना शाकाहारी सर? त्रिशूल तो हम गुदवाए हुए हैं हाथ से सर। अच्छा तुम भी साई वाले हो क्या? हाँ सर हम शुद्ध शाकाहारी हैं। तुम हमने ओम बुलवाया शुद्ध जोरिदा ये सच्चाई बहुत सही बोला है। बकरी बकरी खाती घास। अच्छा नहीं क्यों? अरे भाई हम सच में सर शुद्ध शाकाहारी हैं, हम सिर्फ कुछ नहीं खाते नहीं, सीधे मुंह में रखते हैं, छूते नहीं है, बस टच नहीं करते हैं, बाकी खा लेते हैं। अच्छा लेकिन खाते नहीं है सर हम मुर्गा मुर्गा और मछली और क्या नाम है बकरा छोड़कर कुछ नहीं खाते। मतलब तुम खाते हो सब तो ये सब खाते हैं यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया था, तुम्हारे साथ पानी पी लिया यार। बताओ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ। श्री पेरम बदूर पूछा जाता है, पेरम बदूर क्योंकि वहीं पर लगता है मेला इनके बर्थ एनिवर्सरी पर, छुट्टी भी होती है सरकारी इनके जन्म दिवस के दिन ना। श्री पेरम बदूर से कुछ याद आ रहा है, कोई एक जगह है जहां पर कुछ हुआ था, मद्रास के निकट है ये श्री पेरम बदूर, जहां पर राजीव गांधी की हत्या भी की गई थी। लिट्टे मद्रास के निकट वहां पर स्वामी रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ 1017 AD में, और वैष्णव ट्रेडिशन को बहुत बढ़ाया, तमिल ब्राह्मण परिवार से थे, तमिलनाडु के थे। अब बात आती है हुआ द गुरु आप रामानुजाचार्य, तो यादव प्रकाश, यादव
प्रकाश महाराज इनके गुरु रामानुजाचार्य के गुरु का नाम भी पूछा जाता है। तो यादव प्रकाश जी महाराज इनके गुरु थे और ये यादव प्रकाश जी थे ये एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी इनका मानना था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी कि ये अद्वैत वेदांत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवादी मीन्स इंग्लिश में इसे कहेंगे मोनोथीस्ट, जो एक ईश्वर में भरोसा करता हो, अलग अलग ईश्वर नहीं मानता हो, कि सबका मालिक अभिषेक तुम जो है टेंशन ना लो, वो झूठ बोल रहा था, नहीं खाता मनोज बता तो नहीं थी, ये बेचारा जो है तुम्हारा तीखा भी नहीं खाएगा कभी। अरे क्या है, सूखा नहीं खाएगा, तुझे खाता है उसको क्या मतलब फर्क पड़ना चाहिए उनको क्यों उसे सर। तुम कौन सा टूट के भूले हो, तुमको इतनी टेंशन हो रही है तब से। हाँ ये बात सही है। आगे बढ़े एकेश्वरवादी मोनोथीस्ट, इसमें क्या होता है कि हाँ बता ही दिया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसकी शुरुआत किसने किया था। एकेश्वरवादी सिद्धांत जो अद्वैत वेदांत फिलॉसफी है, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी प्रोपाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत फिलॉसफी वाज शंकराचार्य। शंकराचार्य लेकिन रामानुजाचार्य क्या निकले, जो कि इनके ही शिष्य थे, वो सगुण भक्ति धारा में आ गए, भगवान को शरीर रूप में मानने लगे। ये भगवान को कोई शरीर रूप में नहीं मानते थे शंकराचार्य, एक सर्वाद्वैत होगा। सगुण में दो चीजें हो जाती हैं, डिफरेंस आ जाता है ना। जैसे क्या होता है, जैसे ही सगुण हुए, मान लो हम किसी भगवान की उपासना करते हैं, हम किसी देवता की उपासना करते हैं, विष्णु है शंकर है, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक हो जाता है पुजारी और एक हो जाता है देवता। यानी यहाँ पर पुजारी और देवता दो हो गए, दो है ना, एक बीमार एक डॉक्टर, एक अपराधी एक जज। तो यहां पर द्वैत भाव हो गया है, इसे कहते हैं द्वैत फिलॉसफी। अद्वैत में क्या होता है, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी में होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, दो नहीं है, सारा जगत ब्रह्म में है, एक ही है वो, बस दो नहीं है, सब जगह वही व्याप्त है, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अपने गुरु जी के पता नहीं कैसे गुरु बना लिया थे, है ना, क्योंकि गुरु का आइडियोलॉजी डिफरेंट था और इनका टोटली डिफरेंट था। ये भगवान विष्णु को सगुण रूप में पुकारने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, तो इस तरह से देखा गया तो चेंज हो गया है ना। ही फॉलोड द, इनके गुरु क्या थे, एकेश्वरवादी शंकराचार्य के फॉलोवर, लेकिन ये क्या हो गए, ही स्टार्टेड
फॉलोइंग अलवार ट्रेडिशन? सर सर एक कंफ्यूजन हो गया है, सर यादव प्रकाश जी सगुन को मान रहे थे या फिर रामानुजाचार्य? यादव प्रकाश जी जो है मोनोथीस्ट थे एंड ही वाज द फॉलोवर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी प्रोपाउंडेड बाय द शंकराचार्य, है ना? बट हिज डिसिपल, क्या नाम इनका, रामानुजाचार्य स्टार्टेड फॉलोइंग अलवार ट्रेडिशन। अलवार जो भजन कीर्तन करने वाले वैष्णव संत हुआ करते, पीछे पढ़ा चुका हूं ना, नायनार आडियार अलवार 12 नंबर में टोटल। हाँ सर, हमारा है सर, जैसे अभी आपने बताया शंकराचार्य जी का, तो ये उन्होंने बोला, आपने बताया अद्वैतवाद के संस्थापक थे, मतलब जो फाउंडर थे, तो सर शंकराचार्य किसी भी एक सेक्ट को नहीं मानते थे ना, क्योंकि इन्होंने ही तो चारों धाम की स्थापना की थी, जिसमें से अगर देखा जाए चारों धाम में एक शैव मंदिर भी है, उसमें से एक वैष्णव मंदिर भी है देखा जाए, तो ये फिर अद्वैतवाद का क्या मतलब हुआ इसका, मुझे समझ नहीं आया कुछ, क्या है, एक द्वैतवाद होता है एक अद्वैतवाद होता है, क्या है कुछ रिलेशन, पता समझ नहीं आ रहा कि क्या ये इसका मतलब क्या है अद्वैतवाद का। द्वैतवाद का मतलब होता है एक भगवान और एक भक्त, है ना, दो अलग अलग, हम इसमें देवता को अपने से अलग मानते, जैसे विष्णु के जितने भी शंकर के विष्णु के देवी के दुर्गा के उपासक सब द्वैतवादी है, इसमें एक होता है ना कि हाँ वो देवता है और हम भक्त। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो शंकराचार्य ने चार जो धाम स्थापित किए उसमें तो अगर एक ईश्वर की बात करें तो वहाँ एक ईश्वर तो दिखाया नहीं जा रहा है, वहाँ पर क्योंकि अगर चल जाए नहीं, उन्होंने चार धाम पर चार अलग अलग वेदों को पढ़ने का सेंटर बनाया था। अच्छा, वो सेंटर बनाया था उसके अंदर उन्होंने, और यहाँ के लोग बाद के लोगों ने वहां पर मंदिर की स्थापना कर दी, यही सर ना, वहां पर उन्होंने मठों की स्थापना किया। अच्छा, मठों की स्थापना, ठीक है सर, यही कंफ्यूजन था, यू नो मठों की स्थापना, उन्होंने मठों की स्थापना किया था और वहां पर केवल वेद पढ़ने के लिए बनाया था सेंटर, है ना, अलग अलग वेद के चार सेंटर बनाया था। आगे शंकराचार्य पढ़ाना भी है, आप क्वेश्चन भी आते हैं फिलहाल, इतना इतने तुम ठीक मार दोगे सही, आसान नहीं होता, जान लो द्वैत समझ में आया कि नहीं, क्या होता है ये अलवार वैष्णव संत बन गए, अपने गुरु जी के नक्शे कदम पर नहीं चले। यानी अगर इसमें हम बोला जाए जो अद्वैतवाद वेदांत है, अगर हम इनके इसी परिपेक्ष में रामानुजन चार को देखा जाए तो क्या इनको हम कहेंगे द्वैतवाद के वो थे फाउंडर, वो फॉलोवर थे द्वैतवाद, कह सकते हैं बिल्कुल द्वैतवादी थे, ठीक है, रामानुजन द्वैतवादी थे, ठीक है सर, और गुरु जी क्या थे, क्या कहते हैं, अद्वैतवादी, ये भक्ति मार्ग का अनुसरण कर लिए, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग का मतलब होता है एक भक्त एक भगवान, जबकि अद्वैत वेदांत में क्या है, ना कोई भक्त है ना कोई उसका वो है, सब एक ब्रह्म है जो हर जगह है, सर्वव्यापी, वैधाभास नहीं होता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म, ऐसी भावना अद्वैत वेदांत के अंतर्गत आती है। इन्होंने अपना एक ट्रेडिशन द्वैतवाद में एक अपना खुद का ट्रेडिशन पैदा किया। अब आती है बात इंपॉर्टेंट, द्वैतवाद में एक अलग तरीके का द्वैतवाद इन्होंने खुद का स्टार्ट किया, और ये पेपर पूछा जाता है कि इसको किसने स्टार्ट किया, उसे कहते हैं विशिष्टा द्वैत। विशिष्टा द्वैत मतलब द्वैतवाद के अंतर्गत एक नई कैटेगरी को स्टेब्लिश किया रामानुजाचार्य ने, विशिष्टा द्वैत।
विशिष्टा द्वैत मतलब कि भगवान और भक्त अलग अलग तो हैं लेकिन उनके बीच इतना ज्यादा प्रेम है कि दोनों एक एक जैसे हो गए है ना, जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध बन गया, इतना ज्यादा स्नेह हो गया दोनों के बीच। दोनों अलग अलग हैं लेकिन इतना ज्यादा स्नेह हो गया कि एक हो गए। जैसे कहते हैं अरे वो जैसे तू कह दो चाहे हम हैं या हमारा ये दोस्त है समझ लो हम ही हैं। क्या सर इसी को मीराबाई भी फॉलो करती थी इसी सेट को विशिष्टा द्वैत को मीराबाई? हाँ विशिष्टा द्वैत बात को ही वो जी इतना ज्यादा खो जाना रम जाना कि वही हो जाना है ना, इसी को इतना जो है चाह लिया कि उसी की तरह हो गए वही एकदम उसी में मिल गए लगता है जैसे राधा कृष्ण को प्यार करती इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका भी लिखा रामावतार ब्रह्म सूत्र पर टीका साथ ही साथ भागवत गीता पर भी टीका लिखा टिप्पणी मतलब भागवत गीता पर भी टीका इन्होंने लिखा। इनका कहना है कि होता है भाई एक आत्मा होता है एक परमात्मा होता है दो अलग चीजें होती ही है इसको डिनाई नहीं कर सकते। आत्मा कभी ये सोचे कि वो परमात्मा है जैसे कि अद्वैत वेदांत में कहा जाता है, अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही दोनों अंतर नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कैसे नहीं अंतर है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, एक होती सोल एक होती है ब्रह्म मेटाफिजिकल अल्टीमेट रियलिटी और सोल को उस अल्टीमेट रियलिटी को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पर इनका मामला भी खत्म हो गया। बाकी बात यहाँ तक किसी को कुछ ऐसा डाउट लग रहा हो तो सर वहाँ पर भगवत गीता का क्या बताया आपने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखा उसके बाद? हाँ ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखा और वो भगवत गीता क्यों लिखा था सर? हाँ भगवत गीता पर भी टीका लिखा था, टीका मतलब अपना विचार प्रस्तुत क्या था हमारा। इसने बहुत सारे विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया जैसे जैन का पॉपुलराइज कर रहा था वैसे फिर ये वैष्णवी को विष्णुवर्धन पॉपुलराइज करने लगा। हम वापस आ जाते हैं विष्णुवर्धन के पास और विष्णुवर्धन मर गए 1154 में मर गए विष्णुवर्धन। अब अगले शासक आएंगे नरसिंह प्रथम, नरसिंह प्रथम इसने वैष्णव चालू के शासक थे है ना तैलपा थर्ड उनको मार डाला, ऐसे नाम मात्र के थे तैलपा थर्ड को मार डाला नरसिंह प्रथम और कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं वीर भल्लाल सेकंड अगला इम्पोर्टेंट शासक आया वीर भल्लाल सेकंड 1173 से 1220 के बीच उन्होंने शासन किया वीर भल्लाल सेकंड।
वीर भल्लाल सेकंड ने मारा था उसको ना सोमेश्वर तक, फर्स्ट में नहीं, सोमेश्वर फोर्थ ने मारा वीर भल्लाल को, कंफ्यूजन सेकंड ने मारा उसने सोमेश्वर द्वितीय को मारा था, मतलब वो तीन चार इसमें होता है सर। तो फिर उसका कमांडर विष्णुवर्धन नहीं होगा ना? नहीं, वो था, वो दूसरा सोमेश्वर था जिसको मारा था, ये सोमेश्वर चतुर्थ सर। तो फिर वहां पर वो विष्णुवर्धन कौन से सोमेश्वर को मारा है? सोमेश्वर सोमेश्वर द्वितीय को मारा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बनवासी में क्या कहते हैं, इसने राजधानी शिफ्ट किया, वीर भल्लाल ने कैपिटल राजधानी बनवासी, बनवासी राजधानी कर दिया। अब आगे होता है, कोई बहुत खास कंट्रीब्यूशन और इनका कुछ नहीं होता है। उसके बाद आते हैं वीर भल्लाल थर्ड, वीर भल्लाल सेकंड एक काम और किया था याद करो, है ना, उसने जब क्या कहते हैं चोल थे पांड ने चोलों के ऊपर आक्रमण किया, किसने? मार वर्मन है ना, तो जाकर के उसने उनके ऊपर अटैक करके उनको आजाद करवाया। वीर भल्लाल थर्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा ताकतवर रूलर था 1291 से लेकर के 1343 तक शासन किया, काफी लंबा शासन उसने किया, लेकिन कुछ ऐसा खास काम नहीं हो पाया इसके शासनकाल में जिसको याद किया जा सके। और इसने एक नई राजधानी का स्थापना किया तिरुवन्नमलाई, अब इसको बेचारे को अटैक झेलना पड़ा किसका? 1310 मलिक कफूर सर, विजयनगर एम्पायर का। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अब साउथ की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था, इधर देवगिरी कब्जे में ले लिया था, पांड्यों को मारा था उसने, तो जो है सर खिलजी ने कब्जे में कहां लिया था, तो लूट के भाग जाता था, पैसा लूटने आता था जोल से। हाँ, यहाँ पर लूट के भाग गया था, लेकिन उसके आक्रमण से ये कमजोर हो गए, उसके आक्रमणों से ये कमजोर हो गए, लूट गए, देवगिरी भी टूट गया था, उसको भी छीन लिया था, पांड एम्पायर को भी छीन कर लिया था, मतलब कमजोर कर दिया, देवगिरी में लूटपाट मचाई थी, देवल रानी वहां की जो थी है ना उनको कैप्चर करके लाया था, और उनका लड़का खिज्र खान उससे प्यार करने लगा था, देवल रानी खिज्र खानी नाम का एक नाटक भी पर लिखा गया, तोताई हिंद लिखा, कौन कहलाते थे तोताई हिंद? प्यारे वही अपने यूपी वाले, कौन? अमीर खुसरो ख्याल गायकी तराना गायकी और कव्वाली के संस्थापक कहे जाते हैं, तबला खोज किया था अमीर, बहुत सारी किताबें सितार और तबला दोनों ना सर? हाँ, सितार और तबला, तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, हमारी टॉपिक को
परफेक्ट नहीं आते हैं। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ सर। खुद आया था, किसी को भेजा था? वो पूछ रहा आता था, वही अपना मलिक आपूर से देखता था। होस पत्तन कहाँ पर है? होस पत्तन, होस पत्तन में कितने किलोमीटर वाला ही नाम का नगर बताया जिसे अपना नई राजधानी बनाया। अब यहाँ पर क्या था, इसका एक यहाँ पर इसने अपना कमांडर इन चीफ जिसका नाम था हरिहर, हरिहर राय, और उसका एक भाई था बुक्का। हरिहर के बाद बुक्का आएगा। ये थे सेना पर, लेकिन बहुत ही योग्य सेनापति थे। सारा कुछ उनके हाथ में धीरे धीरे चला जा रहा था, ताकत उसमें बढ़ती चली जा रही। और इन्होंने देखा कि वीर भल्लाल है ना, इतना ताकत और है नहीं, किसी दिन भी ये मर सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। 1343 में ये जो है दिल्ली सल्तनत के अटैक से वीर भल्लाल खड़ मारा गया, और उनके मर जाने के बाद जो इनका ये सेनापति हुआ करता था हरिहर राय, इसने एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दिया, संगम डायनेस्टी की स्थापना कर दिया। संगम काल वहां से शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं विजयनगर एम्पायर, जिसको हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में जब साउथ इंडिया डायनेस्टी पढ़ेंगे तब। तो संगम में तो ये पांड चोल ये सब पढ़ा मतलब लिखा है? नहीं, संगम ये नहीं है, संगम पूर्व काल, संगम काल है, ये संगम डायनेस्टी है जो अभी सर बताएंगे वो संगम डायनेस्टी। वो जो लिखा हुआ संगम काल का लिखा हुआ, उन्हें संगम एक साथ मिक्स कर दिया उन्होंने। संगम वंश हरिहर राय, जिसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता। सर ये भी तो कन्वर्ट हुए थे ना मुस्लिम, ये भी हो गए थे, इनको भी तो किसी ने कन्वर्ट करवाया था हरिहर बुक्का को। हाँ, ये मुस्लिम बन गए थे, कन्वर्ट हो गए जी सर, वापस रिकन्वर्ट करवाया था। ये रिकन्वर्ट होते वो हम पढ़ेंगे जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, संगम डायनेस्टी पढ़ेंगे, मेक्वल में साउथ इंडिया डायनेस्टी पढ़ाएंगे तब हम बारे में पढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का शेड्यूल हम बनाने जा रहे हैं, है ना, कब से कैसे लगाए जाए उसको डिसाइड करेंगे। अभी उन लोगों का क्लास चलानी है कि नहीं चलानी है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कंफर्म करना है कि तो लाइटिंग को क्या करना है, ये तो बहुत चीज़ है ना। ठीक है सर, बताइए फिर। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर नरसिंह ने बनवाया था, इसी कारण ऐसी करता हूँ। ठीक है, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर शिमोगा जिला में भद्रावती नदी किनारे, वो भी वही त्रिभुज स्टाइल का। चंद्रकेसर वाला बता ही दिया, नरसिंह तृतीय ने एक और मंदिर बनवाया था, एक और मंदिर बनवाया जिसका नाम था केशव टेम्पल। कर्नाटक में है? नहीं नहीं, इसलिए नरसिंह ने ये वाला मंदिर बनवाया था, इसको तो यही केशव है ना, इसको विष्णु वर्धन ने बनवाया। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बहुत कम आ रही है सर।
केशव मंदिर विष्णुवर्धन ने बनवाया था, ठीक है, हसन में, हसन में, हसन बेलूर में एक जगह है, वहां पर इसने बनवाया था विष्णुवर्धन। और किसने, नरसिंह तृतीय ने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। कहा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, भद्रावती नदी, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर। एक तो मंदिर का नाम है, इसी ने बनवाया था विष्णुवर्धन ने, एक और मंदिर बनवाया था, इसका नाम है होय सालेश्वर। होय सालेश्वर, होय साल के ईश्वर, होय सालेश्वर, लॉर्ड ऑफ होय साल, ये राजधानी हेलगुरु में, यानी दोरा समुद्र। और इसने चन्ना केशव बताया चुका हूँ, ये थे इनके बनाए हुए कुछ मंदिर। मामला सर, होय सालेश्वर जो था वो शैव धर्म का था ना? होय सालेश्वर विष्णु का ही था। हेलो, हाँ हेलो, शैल शैल वंश का था ना सर, वो होल होल हो सालेश्वर, ये विष्णु वाला था कि शैव का, मतलब शैव वाला है सर ये, जो आपने बताया ना हो सालेश्वर जो बताया आपने मंदिर, अभी आपने हो सालेश्वर मंदिर बताया ना सर। हाँ, ये विष्णु वर्धन ने बनवाया था, लेकिन ये शिव मंदिर था, सही है, टेम्पल। हाँ, ये शिव है ना सर, हाँ शिव मंदिर, वही बोल रहे सर, शिव मंदिर है ना सर, शैव धर्म का। लेकिन इसमें साथ ही साथ वैष्णविज्म है ना, और क्या कहते हैं, दुर्गा का भी है और कुछ जैन का भी, बहुत खिचड़ी मिली हुई, लेकिन मेन डेडिकेटेड है वो शिव। रिकॉर्डिंग आप कर दिए हैं, कर देते हैं।